टीकमगढ़ में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने मारपीट का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। इन दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री मनीष उनेधिया ने कोतवाली में आवेदन देकर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष गौरव शर्मा पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आवेदन में मनीष उनेधिया ने कहा कि 26 जून को सुबह उन्हीं के घर पर गौरव शर्मा ने मारपीट की और गाली गलौज की। जब इस संबंध में गौरव शर्मा से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस शासन के दौरान मैंने ही मनीष उनेधिया का ट्रांसफर प्रशासन से कहकर करवाया, जिसको लेकर मनीष उनेधिया मुझसे व्यक्तिगत बुराई रखते हैं। साथियों, आज मुझे मालूम चला कि कुछ अधिकारी उनेधिया जी मेरे खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट डालने गए हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए विदित कराना चाहता हूं कि मैं इस मामले में पूर्णतः निर्दोष हूं। उनेधिया जी द्वारा विगत 4-5 महीनों से मानसिक और आर्थिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा था। मेरे ठेकेदारी वाले कामों पर जानबूझकर बंद से लगाई जा रही थी। कमीशन के नाम पर हिस्सा मांगा जा रहा था और जब मैंने हिस्सा देने से मना किया तो हम लोगों के बीच में थोड़ी सी कहा सुनी जरूर हुई। इस बात को मैं दरकिनार नहीं करता, मुँह वाद हुआ, लेकिन वो भी उस टाइम भी उनेधिया जी ने ही फ़ोन करके मुझे घर पर बुलाया था। तब मैं उन्हें पैसों की एक रकम देने गया और जब मैंने उन्हें रकम दी तो बोले मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए। इसी बात को लेकर विवाद मुँह ही वाद हुआ और मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। इस संबंध में कोतवाली TI RP चौधरी ने बताया कि गौरव शर्मा के खिलाफ मनीष उनेधिया ने शिकायती आवेदन दिया है, उस आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज मनीष उनेधिया पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने रिपोर्ट की है ठेकेदार गौरव शर्मा के खिलाफ में, उनके घर के अंदर घुस के संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।